कटिहार पॉलिटेक्निक के छात्रों ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ के छात्रों ने रिसर्च और डेवलपमेंट में अपनी नई पहचान बनाने लगे हैं, जिसको लेकर कॉलेज में उत्साह का माहौल है। पटना IIT की निगरानी में यहाँ के छात्र रोबोट बना रहे हैं, जिसके लिए दिन रात कड़ी मशक्कत जारी है। कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स फिलहाल दो तरह के रोबोट पर काम कर रहे हैं, जिनमें एक ऑडियो सिग्नल से संचालित होने वाला है, जबकि दूसरा रोबोट ब्लूटूथ से कंट्रोल होगा। पॉलिटेक्निक छात्रों की मेहनत सफल होने पर सूबे को अनुसंधान के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और ये संस्थान वर्ल्ड मैप पर छा जाएगा। क्या मल्टीपर्पज यूज है ये जो हम लोगों ने रोबोट बनाया है? इसका नाम ऑब्स्टिकल डिटेक्टर रोबोट है। ये क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर इसके सामने हमें आएगा तो ये सेंस करके ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। इसका मेन पर्पस ये था कि मेडिकल में और सेना के लिए था, जैसे कि अभी हमारे देश को इस तरह के टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़रूरत है। जैसे चाइना हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो इस तरह के टेक्नोलॉजी हम लोग बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं, जो कि सेना को कुछ तरह से हेल्प हो सके। जैसे कोई बम को डिस्ट्रॉय करने में हमारा ये ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हमारा रोबोट जो है काम आएगा। ये रोबोट किस तरह डिटेक्ट करता है बम निरोधक में? यह अभी इस तो बेसिक रोबोट था, इसके आगे एडवांस रोबोट बनाने की तैयारी में हम लोग लग चुके हैं, जो कि क्या करेगा कोई भी जो बम है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आएगा, जो सेना में हमारी इस जरूरत पर्पस यूज हो सकते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट के छात्र हैं और 5th सेमेस्टर के छात्र हैं, और इन्होंने 2 रोबोट बनाया है। एक रोबोट बनाया उन्होंने ऑब्स्टिकल डिटेक्शन रोबोट, और एक बनाया उन्होंने ऑल इन वन रोबोट। और इनका पर्पस है, इनका जो अगर हम कहें एप्लीकेशन कहाँ है, तो पहला एप्लीकेशन हम कर सकते हैं इनको मेडिकल लाइन में एप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर हम लोग इंडस्ट्री में कर सकते हैं, या कैरी करने के लिए कुछ अगर हमको कैरी करके इधर से ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आखिर यहाँ ये बनाने का इनको कैसे मतलब मिला कि इस तरह का? तो ये एक्चुअली हम ये बनाने का है, ये 7 इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है 11 पॉलिटेक्निक कॉलेज को हब बनाया गया और 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्पोक्स है, जिसमें कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोबोटिक्स का परीक्षण कराने के लिए दिया गया है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट के बच्चे इसमें भाग लेंगे और IIT पटना के द्वारा ये कंडक्ट कराया जा रहा है।